आज की ये खूबसूरत शाम जिसे मुस्तकबिल नाम से मंसूब किया गया है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि चराग बुझ ना सकें ऐसा कोई काम करो, चराग बुझ ना सकें ऐसा कोई काम करो, हवा से हाथ मिलाओ दुआ सलाम करो, हवा से हाथ मिलाओ दुआ सलाम करो, ये ज़िंदगी लिए तन्हा कहाँ गुजारोगे, किसी के नाम करो या हमारे नाम करो। हाजरीन, आज की ये शाम एक बात मैं बिलखसूस मुबारकबाद देना चाहूँगा जी, खैर मकदम है मोहतरमा सविता असीम साहिबा, आप तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका इस्तकबाल करें, हमारे मुल्क की वो मोहतरम व मोतबर शख्सियत मोहतरमा सविता असीम साहिबा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने बैकड्रॉप पर देखा लिखा है हिंदी उर्दू पोइट्रिक इवेंट, इस बैकड्रॉप पर मुशायरा नाम कहीं नहीं है, इस पर कवि सम्मेलन लिखा हुआ नहीं है। वजह, क्योंकि मुशायरे या कवि सम्मेलन के हवाले से एक हंगामा बरपा करना ये हमारा मकसद नहीं, बल्कि हमारा मकसद दो तहजीबों को एक दस्तरखान पर बुलाना, दो तहजीबों को एक दस्तरखान पर दावत में बुलाना, और फिर गले से गले जब दो तहजीब मिलती हैं तो एक नई तहजीब का जन्म होता है जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। हाजरीन, ये जो मुशायरे का दिमाग मैं जो ये इवेंट का थॉट जब जनाब अन्नू शाह के दिमाग में आया, उन्होंने हिंदुस्तान के उन शोराए कराम को मदु किया, उन कवियों को बुलाया जिसकी मिसाल आम तौर पर वो मुशायरों में बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन ये वो फनकार हैं जनाब शाहिद अंजुम साहब, हिंदुस्तान की शायरी का वो वकार। मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। इसी तरह जनाब नू आलम इंदौरी साहब जो इंदौर से तशरीफ़ लाए हैं, मोहतरम शरफ नानपारवी साहब, और जैसा कि आम तौर पर किसी भी मुशायरे का आगाज़ नाते पाक से किया जाता है या कवि सम्मेलन का आगाज़ सरस्वती वंदना से किया जाता है, लेकिन ये कौमी यकजहती का मुशायरा, ये कौमी एकता का मुशायरा, ये मोहब्बतों के पैगाम का मंच, तो मैं चाहता हूँ जिस मुशायरे जिस इवेंट की सदारत एक ऐसी शख्सियत जिसे हम और आप पूजा श्री के नाम से जानते हैं, जो साक्षात पूजा ही इस मुशायरे की सदारत कर रही हो, तो उसे किसी पूजा या वंदना की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए दोस्तों, जब पूजा से ही आगाज़ किया जाता है तो फिर किसी पूजा की ज़रूरत नहीं। मैं सीधे सीधे इस मुशायरे का आगाज़ एक कौमी एकता के गीत से करना चाहता हूँ, और हमारे मंच पर एक ऐसी आवाज़ जो पूरी दुनिया में बड़ी ही मोहब्बतों के साथ सुनी जाती है, जनाब शरफ नानपारवी साहब से मैं चाहूँगा, इन मिसरों से उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ कि हिंदी में लिखा है इसको उर्दू में महसूस किया, हिंदी में लिखा है इसको उर्दू में महसूस किया, हमने हिंदुस्तान गज़ल की खुशबू में महसूस किया। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब शरफ नानपारवी साहब। आज के बावकार इस खूबसूरत महशर सदर मोहतरमा श्रीमती पूजा श्रीमती साहिबा, तमाम मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम इस हाल में तशरीफ़ फरमा, इस बॉम्बे के सुखन फहम अदब नवाज बाज़ौक़ सामईन किराम, आज की निदामत फरमाए कि मेरे छोटे भाई मन्नान फराज़ साहब, उनका हुक्म हुआ कौमी गीत के लिए, मुझे हुक्म हुआ है दोस्तों। चार मिसरे में अपना शेरी सफ़र का आगाज़ चाहता हूँ, उसके बाद ये कौमी गीत पेश करूँगा। इरशाद अली कि कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे, 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 मोहब्बत लिखा है मोहब्बत लिखेंगे, मोहब्बत लिखा है मोहब्बत लिखा है, कहाँ और कोई इबारत लिखेंगे, मोहब्बत लिखा है मोहब्बत लिखेंगे, जो माँ बाप की
قربتوں میں گزارے جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے قربتوں میں گزارے جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں شرف دنوں کو عبادت لکھیں گے جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے شرف دنوں کو عبادت لکھیں گے محبت لکھا ہے محبت لکھیں گے قومی گیت جس کے لیے حکم ہوا ہے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا ایک ایک بند پر آپ تمام حضرات کی توجہ کا تعلیم ارشاد علیم یہ زندہ آباد رہے گا محبت کی سندر تحریر میرا ورثہ میری جاگیر محبت کی سندر تحریر میرا ورثہ میری جاگیر یہ میرے خوابوں کی تعبیر جسے کہتے ہیں سب کشمیر میرا چہرہ میری پہچان میرا چہرہ میری پہچان یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا حاضرین کرام تمام مختلف شہروں سے یہاں شعرائے کرام تشریف لائے ہیں سب اردو سے محبت کرنے والے اردو کے چاہنے والے یہاں تشریف فرمائیں ملاحظہ فرمائیں یہ زندہ آباد رہے گا بھروسہ رکھنا میرے میت رہے گی زندہ اپنی پریت سنے گا منن بھروسہ رکھنا میرے میت بھروسہ رکھنا میرے میت رہے گی زندہ اپنی پریت غزل دوہے کویتائیں گیت بھجن پوجا صوفی سنگیت زبان و مذہب کا سمان زبان و مذہب کا سمان یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا یہ زندہ زندہ آباد رہے گا یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا پیارا ہندوستان سدا آباد رہے گا یہ زندہ آباد رہے گا اس بند نے ان اساتذہ کرام کا میں نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے لیکن تالیاں یہ بکھری بکھری سے آ رہی ہیں ایک ساتھ بجیں تھوڑا سے حوصلہ افزائی ہوگی میں مجھے لگے میں مہاراشٹر بامبے مشاعرہ پڑھنے آیا ہوں یہ زندہ آباد رہے گا سبھی کی روشن ہے تقدیر یہاں ہے مومن غالب میر سبھی کی روشن ہے تقدیر یہاں ہے مومن غالب میر نرالا تلسی سور کبیر ہے ولیوں سنتوں کی جاگیر دل
दिलों में है रहीमन रसखान, दिलों में है रहीमन रसखान, भगत सिंह अशफाकुल्ला खान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। आखिरी बंद, आप हजरात की दुआएं और मोहब्बतें हमारा सरमाया है। मेरे छोटे भाई विकास नागर यहाँ शायरी तशरीफ लाए, मुरादा फरमाएं कि मोहब्बत सूफी संत रसूल मुकद्दस वृंदावन की धूल, मुकद्दस वृंदावन की धूल, कलीसा गुरुद्वारा त्रिशूल, ये चिश्ती के आंगन के फूल। अरे वाह 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 शरफ भाई, फिर बलियो ये बंद, फिर बलियो भाई जोरदार तालियां बजा दे, बंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं शरफनान पारवी साहब के लिए, ये बात वाह वाह, फिर बलियो। मोहब्बत सूफी संत रसूल मुकद्दस वृंदावन की धूल, कलीसा गुरुद्वारा त्रिशूल, ये चिश्ती के आंगन के फूल। ये सीता राधा का गुलदान, ये सीता राधा का गुलदान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदाबाद रहेगा, ये जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया।